भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि डिजिटल पहचान और भुगतान से लोगों का जीवन आसान हुआ है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT सिस्टम का निर्माण करके सरकारी सेवा वितरण को बदलने में सक्षम बनाया है। सीतारमण ने यह बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यक्रम में कही। सीतारमण ने वाशिंगटन DC में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि DPI के कारण लोन प्रोसेसिंग की लागत में 75% की गिरावट आई है। DPI से कोरोना के दौरान 4.5 अरब डॉलर 16 करोड़ बैंक खाता धारकों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। DPI ने 650 मिलियन लोगों को सहायता प्रदान की है। इससे भारत सरकार की योजनाओं और सेवाओं में 27 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत हुई है।